रायपुर में शराब माफियाओं की दबंगई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दबंग लोग बेधड़क होकर महिला कमांडो को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जानकारी अनुसार अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिला कमांडो लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे शराब माफिया में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान महिला कमांडो ने आरोप लगाया है कि इन शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है, पर कार्रवाई करने के बजाय लेन देन कर मामले को रफा दफा कर देती है। मामले के निष्पक्ष जांच के लिए महिला कमांडो ने कलेक्टर SP से इसकी शिकायत की है और कार्रवाई न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। दरअसल शक्ति थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा में पुलिस के द्वारा नशाबंदी अभियान के तहत ग्राम परसदा के महिलाओं को चयन कर गांव में महिला कमांडो का गठन किया गया है। वहीं ग्राम परसदा में महिला कमांडो के गठन होते ही महिलाओं ने अवैध शराब बिक्री और शराब माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परसदा की महिला कमांडो अवैध शराब पकड़कर शक्ति पुलिस को दे देती है, लेकिन शक्ति थाना के पुलिस टीम शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन्हें पैसा लेकर छोड़ देते हैं। पुलिस के चंगुल से छूटने के बाद शराब माफिया गांव के महिला कमांडो को ही गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे परेशान महिला कमांडो ने मामले की शिकायत जांजगीर कलेक्टर और जांजगीर SP की है। महिलाओं का कहना है कि हम सोचते हैं कि गांव सुधर जाएगा, यह सोचकर इस मुहिम में पुलिस का साथ दे रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय पैसा लेन देन कर माफियाओं को छोड़ दे रहे हैं। अगर जल्द ही मामले की उचित कार्रवाई नहीं होगी तो महिलाएं भूख हड़ताल भी करेंगी। पकड़ के काका ले गए हन तो वह कार्रवाई नहीं करी से, ओकर बाद में फिर आपिस घर चल दे हन। चार जन काका थे वो लड़का मल्ला लेके आए हैं शक्ति, वो मल्ला थोड़ा देर के लिए बैठारी से रिपोर्ट लिखी से बनाई से तो हाँ काका थे हमला जावा घर कहीं से आधा 5 मिनट के बाद में वह मल्ला छुट्टी दे दी से, पैसा ली से धनी ली से तेला वो पुलिस वाला मन दारोगा मन जाने और वो मतलब छुट्टी दे दी से। गांव में गी से हमन के कुछ नहीं उखाड़ी से हमन आ गए हैं कके सब मन हासा निंदा करा थे गाड़ी गिल्ला दे थे गाँव ला का चाहता था तुमन हमन हमन ला अंदर करवाना चाहत हन जान के भी धमकी दे और जान हमन जेल ले छूट जाएगा छूट जाके छूट के आए बो तो जान के कतर कर देबो कहीं से मर्डर कर देबो कहीं से। हमान अभी 2 लीटर पकड़े हैं काल का देवा और पहले 40-45 लीटर पकड़े रहे तबो सुनाई नहीं होत रही से और 2 क्विंटल मह एक पकड़े रहे महुआ के पास पकड़े रहे ओला बोरई माँ पुलिस के संग साथे साथ रही से ओला उलदे हन ठंडा करो का लगा थे आप मन लगी तू मन तो मेहनत कर रहा था गाँव ला सुधारना हमान लोग लैका खातिर बा हमान एला काम ला करा था मगर लोग लैका मन सुधार जाही कके मगर गांव के मन ए मन बिगाड़ना चाहा थे लोग लैका बच्चा मन ला छोटे छोटे कौन बिगाड़ना चाहते थे पुलिस हाउ ए मन का बिगाड़ना चाहते गांव के संपत्ति बिगाड़ना चाहते ओकर भाई बिगाड़ना चाहते और बाबूलाल कहते बिगाड़ना चाहते सब मन के सब बना बना के बेचा थे लुका चुरा के अंते अंते गांव में लेके बेचा पुलिस ले जा के देता था पुलिस कुछ कार्रवाई करते कि नहीं लिख के देता था नहीं करे आज पौती बनाई से एक जन पुलिस पौती बना ली से तहा वो दे नहीं करते साइन नहीं मारा कैसे हमन साइन मारे बिना हमन नहीं जान कहीं तो वो डुप्लीकेट करी से साइन मारी से ते का बाद में छुट्टी दी से मोन ना बुधनीन भाई परसदा खुर्दा के हम का हो गया हम आज अटकी गंदारू ला पकड़त हन फिर भी वो संपत हना बनाए ला नहीं छोड़ा थे मोबाइल द्वारा से फोन कर करके दारू ला जगह जगह में पहुँचा थे है हमन कहा था तो उल्टा हमन ला गाली गलोच कर थे रंडी हो बेसिया हो कका के ते अच्छा बात है का पुलिस लगा था पुलिस का पुलिस कर गए हन तो पुलिस हमन के कान लेके जात हन केस ला तो हमन के केस ला नहीं सुना थे ते पुलिस सर काबर रखे है हमारा महिला कमांडो का करते पुलिस सर पैसा लेते के छोड़ देते का करते पैसा लेके छोड़ दे थे कोई दे छोड़ दे थे अब काल के हन रात के त उनका कथे एक गुनी राखी से हमला निकलन दी से त हमन के पीछे पीछे हमला छोड़ दी से त हमन के कान ए काबर नहीं करत है आगे काबर नहीं बढ़ात है यार गांव के गांव दुश्मनी होते गांव के गांव दुश्मनी कर देते अपन पैसा खात है हमन गांव सुधारना चाहत हन हमन गांव सुधारना चाहत हन लेकिन पुलिस है नहीं सुधर नहीं नहीं सुनत है हमन के बात ला पुलिस पूरा परसदा में दारू भरपूर बेचात है और पकड़ दारा थन एक घर हमन
40 लीटर दारू पकड़े और नान के शक्ति थाना में जमा करें, पर भी शक्ति थाना सोझा कार्रवाई कर दी डुप्लीकेट और कोई सुनाई नहीं करी हमन की। और हमन हो सकत ले गांव ला सुधर जाती और गांव के सुरक्षा हो जाती कहके हमन छोटे छोटे बाल बच्चे मन के सुर लिए हमन लड़त हन गाँव में, लेकिन हमन के कोई मदद नहीं करा थी। और दारू बेचोइया मन उल्टा हमन पकड़ा थन तो हमन का कर ली हमार रे, हमन कतल कर देबो वहाँ जाबो तो थाना हबर जाबो तो ऐसे करके वो दारू वाला मन बोला थे। तो हमन सबके बिना है कि हरदा परसद में दारू झन बेचाती, ओतकी हमन की इच्छा है और ओकरे खातिर हमन जानगीर में यहाँ आए हन। लेकिन शक्ति थाना में बार बार आए थे हमारे कूड़ा मकोड़ा कस नहीं समझा थे। हमू हम तो ककरो दाई बेटी हन, हमारे महिला कमांडो बनाए गए है तो हमन बने हन, हमार मर्जी से नहीं बने हन। अब महिला कमांडो में जुड़े हैं लेकिन महिला कमांडो के कोई कदर नहीं करते हैं। हरदा परसदा के आदमी शराब वाले मन और कुछ भी कार्यवाही करे जाए वो आदमी मन के शराबी मन की। उनका शिकायत यह था कि गांव में शराब वराब पकड़ते हैं तो पुलिस वाले उचित कार्यवाही नहीं करते हैं, ऐसा करके शिकायत आया था। तो हमने पता किया वहाँ थाना शक्ति में, तो जिनकी शिकायत की गई है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई आबकारी एक्ट के तहत की गई है। हम देखते हैं उनके चाल चलन और पुराना रिकॉर्ड होगा उस माफियाओं के खिलाफ, तो अवश्य ही उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करवाएंगे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।